हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक ऑफ बिहार में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों प्रतिशत कैसे निकाले। तो दोस्तों आपको शुरू से सिखाया जाएगा इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको देखना क्या है, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 145 का 35% इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो दोस्तों कैसे जल्द से जल्द बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपका कोई भी प्रश्न हो, मान लीजिए आपको पूछ रहा है प्रश्न कितना, 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 का दोस्तों कितना 25%। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों इसको हल करने का जो तरीका है दोस्तों आप देखिए कितना का कितना प्रतिशत मार रहे थे। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे दोस्तों कि का मतलब गुना होता है। दोस्तों 100 वहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है, 100 का मतलब गुना है तो गुना लिख देना है। और पूछ रहा है कितना परसेंट, 25% कितना परसेंट दोस्तों, तो 25% तो आपको सिंपली क्या करना है, 25 लिख देना है। परसेंट का मतलब दोस्तों होता है 100 लिख देना है। और 100 लिख देने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आप कटा सकते हैं, वो बाटा में जो भी होता है अंश और हर में कटाया जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, तो दोनों 100-100 कट जाएगा, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। 100 का 25% आपका 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो बहुत ही ईजी था, ताकि आपको समझ में आए, कोई भी परेशानी आपको ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए हम आगे दूसरा बताते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए आपको दे 150% दे दे, 150 का 30%, 150 का कितना दोस्तों, 30%। 150 का 30% अभी मैंने आपको बताया था, 150 का 30% कर रहा था, 150 लिख देना है। का मतलब अभी बताया था आपको गुना होता है, 30% कर रहा था, 30 आपको ऊपर लिखना है और बाटा में लिखना है दोस्तों। परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 आपको लिख देना है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कटा लीजिए। देखिए ऊपर में एक जीरो है, नीचे में एक जीरो है, तो दोस्तों 0 0 1 0 गया, फिर यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो दोस्तों दोनों जीरो कट गया। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, 15 3 45 गुना और 3 में गुना कर देंगे, 15 और 3 में गुना कर देंगे, तो 15 3 45, तो आपका ये आंसर हो गया दोस्तों, 15 3 45 से आपका आंसर हो गया 150 का 30%। तो चलिए हम कुछ प्रश्न के आधार पर आपको बताएंगे, तो चलिए हम प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों प्रश्न आपका आ गया, 250 का 38% कितना है, 250 का 38% कितना है। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न लिए हैं, तो दोस्तों ये देखिए 250, तो सिंपली आपको लिखना क्या है दोस्तों, 250% आपको लिख देना है, 250 आपको लिख लेना है। 250 का मतलब अभी बताया था गुना और 38/100 आपको कर देना है। 38/100 जैसे करेंगे आप, तो दोस्तों आपको कटा देना है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 1 0 गया, और यहाँ पे देखिए कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये 5 है, ये 10 है, 25 है, ये 10 है, और ऊपर नीचे भी कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 2 से 19 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। और अब बच रहा है क्या कि यहाँ पे देख लीजिए 5 और 25 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 25, तो दोस्तों रह कितना गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए रह कितना गया कि ये 19 और 5, तो 19 और 5 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 19 के 19 19 98 97 96 95 95 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह का आप कोई भी प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 160 का 125% का 20% कितना है। तो दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न देखकर आप घबराइए, दो बार का देख कर घबराइएगा नहीं, ताकि घबराए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, कितना दिया है शुरू शुरू में देखिए, कितना दिया है, दिया है कितना, 160 का 125% का 20% कितना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, 160 लिख देना है, का मतलब अभी बताया था गुना होता है, फिर 125 आपको लिख देना है, और नीचे में 100 लिख देना है, परसेंट का मतलब, फिर का दिया तो फिर आपको गुना दे देना है, फिर कह रहा है 20%, तो 20% बटा 100। अब सिंपली इसको हम लोग कटा देते हैं, आसानी से कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ में एक जीरो है, यहाँ में एक जीरो, 2 0 गया, 2 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए काट सकते हैं, आसानी से इसको काट सकते हैं, 25 25 125 25 चौका 100 कट गया, और आपका ये जो है
ये आपका आसान। फिर यहाँ पे देखिए दो बचा है, ये चार बार, दो दोना चार, दो बार में ये कट जाएगा, ये 16 है तो दो अठे 16 कट जाएगा, 8 गुने 5। अब कितना बच रहा है दोस्तों, 8 गुने 5, 8 गुने 5 कितना हो जाएगा, 8 गुने 5 बटा 40, सॉरी 8 गुने 5 8 बचे 40 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सोच के आप घबराए होंगे, कौन सी संख्या है। यदि किसी संख्या का 32% है, यदि किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, आप x मानिए, y मानिए, कुछ भी मानिए, मान लीजिए वह संख्या क्या है, x। तो क्या करें, x किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का x, मतलब हमने वो संख्या x मान लिया है, x का कितना 32%, x गुने 32 बटा 100, अब बटा कितना, मतलब वो कितना संख्या कितना है, बराबर में कितना हो जाएगा 80। अब सिंपली अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप अभी सोच रहे होंगे ये कितना आसान है, तो आपको करना क्या है कि ये देखिए दोस्तों, ये बटा के उस साइड में है तो ऊपर ऊपर में कट जाता है। तो दोस्तों ये 16 दुना आपका 32 हो जाएगा, 16 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 32 होगा और 16 × 5 = 80। तो ये फिर हो गया, ये 2 से 5 100 कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये तो हो गया x बटा 5 50 और बराबर 5। तो ये दोस्तों 5 और 50 में गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आपका आंसर आ जाएगा, 250। वो संख्या कितना हो गया दोस्तों, 250। 250 का 32% निकालेंगे तो दोस्तों वो संख्या 80 आएगी, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से।